दोस्तों नमस्कार, मैं निरंजन कौर एज इन पुलिस ऑफिसर आज सीआरपीसी की कुछ सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 160, 161, 162 एंड 163 सीआरपीसी के बारे में आज बात करेंगे। जब 160 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब एक एफआईआर लॉज हो जाती है, लॉज होने के बाद एक पुलिस ऑफिसर को डिफरेंट तरह के एविडेंसेस और विटनेसेस कलेक्ट करने होते हैं जो प्लेस ऑफ एक्यूरेंस पे जाकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मर्डर हो गया है, मर्डर के टाइम जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचकर उन लोगों से बातचीत करता है, पूछता है कि भाई कैसे ये सब हुआ है। तो वो कुछ लोग उसमें से आगे आकर के कहते हैं कि मैंने बाय नेम, वो कहते हैं कि उसको कुल्हाड़ा ले जाते हुए देखा था। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने उसे भागते देखा था। और तीसरा व्यक्ति कहता है तो मैंने तो उसे मारते हुए देखा था। तो ये सब एविडेंस ऐसी होगी जो फैक्ट्स को जानते हैं और उनकी वो वहाँ से जाने के बाद नोटिस भेजकर उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए सेक्शन 161 में बुलाता है। 160 सेक्शन का मामला ख़त्म हो गया है, 161 शुरू हो गया है। 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है पुलिस अफसर के द्वारा और ये सब वॉलेंट्री होता है। विटनेस अपनी वॉलेंट्रीली ये सब विटनेसेस अपने रिकॉर्ड स्टेटमेंट करवाता है। वो वही लोग करा सकते हैं जो उस केस के संबंधित फैक्ट्स को जानते हैं। जब वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो जाती है तो एक पुलिस अफसर जो रिकॉर्ड कर रहा है वो पढ़कर सुना देता है और सुनाने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि उस पर सिग्नेचर किए जाए। अब हम अगली सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 162। 162 में सिर्फ इतनी ही बात है कि जो फैक्ट्स वो जानता है वो बताएगा और जो स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड करवाई है ये ज़रूरी नहीं कि उस पर वो सिग्नेचर करे। यदि एक पुलिस अफसर उसको कहता है कि भाई इस पर सिग्नेचर कर दीजिए तो वो मना भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 163 की। 163 में जो पुलिस अफसर है, जो आयु नॉमिनेट किया गया है, वो उस विटनेस से किसी तरह का कोई झूठा प्रोमिस या सच्चा प्रोमिस या धमकी थर्टेन या किसी तरह का लोभ लालच नहीं देगा। यदि ऐसा करता पाया गया तो वो इरेवेलेवेंट माना जाएगा। इसमें दो तीन चीज़ें हम बात करना चाहेंगे। यदि जो व्यक्ति फैक्ट्स को जानता है और जानने के बावजूद, नोटिस देने के बावजूद एक पुलिस अफसर जब बुलाता है वो नहीं आता है, तो सेक्शन 174 आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एक महीने की सज़ा और ₹500 का पनिशमेंट का जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह यदि स्टेटमेंट डिकोड हो गई और डिकोड होने के बाद वो आदमी झूठा बयान देता है तो सेक्शन 202 और 203 आईपीसी के तहत उसे कार्रवाई की जाएगी। तीसरा एक पॉइंट में बहुत जो खास ज़रूरी है कि वो फैक्ट्स को जानता है और जानने के बावजूद वो ये कहता है कि मैं तो नहीं बताऊंगा, तो सेक्शन 179 आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो विटनेस ये समझता है कि ऐसा बताने से या इस केस के बारे में बताने से वो एक्सपोज हो जाएगा, तो उस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। जब एक पुलिस अफसर ये सब चीज़ें कर लेता है, स्टेटमेंट्स सब रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो वो चार्जशीट के साथ स्टेटमेंट्स को टू इन कोर्ट करता है और टू इन कोर्ट करने के बाद उन स्टेटमेंट्स की वैल्यू तब तक ज़ीरो मानी जाती है जब तक कि वो विटनेसेस एग्जामिनेशन ना हो जाए, चीफ ना हो जाए और क्रॉस ना हो जाए।
ये सब होने के बाद उन स्टेटमेंट्स की वैल्यू जैसा जैसा वो बताते हैं एग्जिबिट्स के साथ वो वैल्यूएबल हो जाती है।